आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन ट्रस्ट ऑफ द कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू मॉडल के बारे में। दोस्तों, लोग स्कॉर्पियो न्यू मॉडल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने स्कॉर्पियो को टेस्टिंग के दौरान भी देखा होगा, लेकिन अभी महिंद्रा के तरफ से ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अपकमिंग स्कॉर्पियो नया मॉडल होने वाला है या एक नया जनरेशन स्कॉर्पियो होगा। लेकिन इसके फीचर्स को देखकर ये जरूर साबित होता है कि स्कॉर्पियो न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में एक नया फेस के साथ, ब्यूटीफुल शेप के साथ एंट्री लेगी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम, और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। मेरा नाम है सौरभ, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कस्टमर फेवरेट एसयूवी एंड टॉप सेलिंग एसयूवी कार स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो को अभी तक महिंद्रा ने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ ही लॉन्च करते आ रही है, लेकिन अब जैसा कि कुछ लीक और अपडेट से पता चला है कि महिंद्रा कंपनी अपनी स्कॉर्पियो न्यू मॉडल का काफी ज्यादा अपग्रेड लुक के साथ इंडियन मार्केट में पेश करेगी। तो दोस्तों, न्यू मॉडल स्कॉर्पियो का लोगों ने काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लॉन्च होते ही इस एसयूवी कार की बुकिंग टाइम कम से कम 6 से 7 महीने तक का रहने वाला है, बिकॉज इस कार की इंडिया में बड़ा कस्टमर बेस है, जिसमें कंपनी ने काफी कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जो कि इसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले बिल्कुल अलग डिजाइन के साथ आप सभी को ये नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो मार्केट में दिखाई देने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस एसयूवी को पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा सा मस्कुलर बनाया गया है और कंपनी ने स्कॉर्पियो को बड़ा बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। इस न्यू मॉडल स्कॉर्पियो को पूरा एक नया लुक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बॉडी प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसके फीचर्स को और इसके फ्रंट ग्रिल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको न्यू मॉडल स्कॉर्पियो का ओवरऑल पूरा लुक एक नया फेस लुक के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्कॉर्पियो न्यू मॉडल को लॉन्च करने में देरी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी महिंद्रा कंपनी ने अपनी न्यू मॉडल एसयूवी XUV700 SUV को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जिससे कि स्कॉर्पियो को 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। और कई बार न्यू मॉडल स्कॉर्पियो को इंडियन मार्केट में टेस्टिंग के दौरान देखा भी गया है। तो दोस्तों, टेस्टिंग के जरिए कुछ इसके फीचर्स का भी खुलासा हुआ है, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं न्यू मॉडल स्कॉर्पियो में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे अपकमिंग न्यू मॉडल स्कॉर्पियो से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, किसी भी जगह पर कार रेस हो या फिर किसी फैमिली को लंबे टूर पर जाने हो या फिर ऑफ रोडिंग करने हो, तो ऐसे टाइम पे स्कॉर्पियो जैसे कार को काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो के सेगमेंट में और भी कारें हैं जिसमें काफ़ी कुछ नया फीचर्स और काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलते हैं। तो स्कॉर्पियो लवर्स चाहते हैं कि भाई स्कॉर्पियो में भी ये फीचर्स रहना चाहिए। वैसे भी लोग हमेशा कुछ नया देखना चाहते हैं, तो महिंद्रा कंपनी इसी बात को ध्यान में रखकर स्कॉर्पियो का नया मॉडल एडिशन पे काम कर रही है, जिसमें कि हमें बहुत ही जल्द एक नया स्कॉर्पियो देखने को मिलेगा और उसमें काफ़ी कुछ नया और यंग जनरेशन फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो वहीं अगर हम बात कर लेते हैं न्यू मॉडल स्कॉर्पियो के लुक्स और डिजाइन की, तो आने वाली महिंद्रा न्यू मॉडल स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक बोल्ड प्रोफाइल के साथ नज़र आने वाली है। इसके एक्सटीरियर फ्रंट में आपको नया डिजाइन बम्पर के साथ आपको बिल्कुल नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको महिंद्रा का एक नया लोगो नजर आने वाला है और साथ ही आपको न्यू डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRL देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको नई फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने को मिलेगी और बताया जा रहा है कि इस न्यू मॉडल स्कॉर्पियो में आपको डुअल टोन और मॉन्टन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। और वहीं आपको इसके रेयर की तरफ आपको नई LED टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, SUV स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में और टायर के साथ आपको R18 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो वहीं अब बात आती है इसके इंजन पावर की, तो इसमें आपको पेट्रोल मॉडल के साथ साथ डीजल इंजन भी देखने को मिलने वाला है और ये पेट्रोल इंजन आपको 2.0 लीटर का MHOG पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 156 PS के करीब पावर देने वाला है और ये इंजन आपको 6-speed मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी। और दूसरे इंजन में आपको, यानी डीजल इंजन में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 155 PS के करीब पावर देने वाला है और ये इंजन भी आपको 6-speed मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस इंजन के साथ महिंद्रा की अपकमिंग स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा पावरफुल SUV होगी और इस न्यू मॉडल स्कॉर्पियो में आपको मल्टी ड्राइव
ड्राइविंग मोड के साथ साथ मल्टी ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि इस कार में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी, जिससे कि महिंद्रा की अपकमिंग स्कॉर्पियो पूरी तरीके से ऑफ रोड एसयूवी होगी। दोस्तों यही थोड़ा ध्यान दें इसके इंटीरियर की तरफ, तो 2021 अपकमिंग स्कॉर्पियो के इंटीरियर को पहले से ज्यादा काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10.25 इंच तक की अल्ट्रा एचडी टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस के एडवांस फीचर, यूट्यूब जैसे फीचर्स को सपोर्ट करेगी। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में ड्यूल टोन सेप्टर डैशबोर्ड के साथ आपको मल्टीफोक स्टीयरिंग भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको महिंद्रा का एक नया लोगो नजर आएगा। और स्टीयरिंग के साथ ही आपको विंडो कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में 10.25 इंच तक की फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्ज पैरोमिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, सिक्स वे हाइट स्टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्यूरिफायर, फ्रंट एंड रियर सीट विद आर्मरेस्ट, लार्ज बूट स्पेस, जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यही अब बात आती है लाइफ इज इम्पोर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी के, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अपकमिंग न्यू मॉडल स्कॉर्पियो बॉडी ऑन लेदर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो कि महिंद्रा का जनरेशन 3 मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है। और इसके सेफ्टी लुक्स में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, 7 एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, लेन कीपिंग असिस्टेंट, ऑटोमेटिक ब्रेक, ऑल डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मल्टिंग सिस्टम, मल्टी एंगल व्यू, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। और ये महिंद्रा की कार है, तो आप इससे ऑफ रोडिंग या पहाड़ पे जरूर ले जाओगे, तो इसमें आपको एक हिल होल्ड का भी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको इसके सेफ्टी में सीट बेल्ट रिमाइंडर विद पेटेशनर जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये महिंद्रा की अपकमिंग मॉडल स्कॉर्पियो इन फीचर्स के साथ टाटा की हैरियर और किया की सेल्टस, हुंडई करेटा जैसे शानदार कारों को कड़ी टक्कर देगी। दोस्तों वहीं अब फाइनली बात आती है इस न्यू मॉडल स्कॉर्पियो की लॉन्च और प्राइस की, तो इंडियन मार्केट में इस कार की प्राइस 11 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है न्यू मॉडल स्कॉर्पियो। और ये अपकमिंग स्कॉर्पियो 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको महिंद्रा की ये अपकमिंग स्कॉर्पियो न्यू मॉडल आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आप भी स्कॉर्पियो के लवर्स हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल अपकमिंग है और अभी की मॉडल महिंद्रा की शोरूम में खड़ी है, तो दिवाली का ऑफर्स भी आपको स्कॉर्पियो पे, न्यू मॉडल स्कॉर्पियो पे देखने को मिल सकता है। और ये अपकमिंग स्कॉर्पियो आपको 2022 तक देखने को मिल सकती है। तो अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो लवर्स हैं तो अभी की स्कॉर्पियो आपको बम्पर छूट के साथ, दिवाली के ऑफर छूट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं तो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया मॉडल देखने को मिलेगा, जो कि नया लोगों के साथ लेस होगी। इसी के साथ अगर आप हमारे स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल YouTube को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आपको ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।